Well, hello folks, welcome to another episode of Bollywood This Week. From Mamar Ansari, आप सभी लोगों का मास महाराजा अजय देवगन की फिल्म दृश्यम द्वितीय के डे नंबर 6 के ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? फ्रेंड्स, कल रात को जो मैंने एक्सपीरियंस किया उसके लिए आपको एक मिनट देना चाहता हूँ, आराम से सुनिए। जब भी हम फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते हैं, बहुत बड़ी कोई इवेंट फिल्म हो तभी जाकर हमारा जो शो रहता है, चाहे वो 8 बजे का हो, 9 बजे का हो, फ्राइडे का, वो फुल होता है। लेकिन गाइस, यूजुअली मोस्ट ऑफ द शोज जो रहते हैं वहां पर ऑडियंस चाहे वो 15% हो, 20%, मैक्स टू मैक्स 30% होती है। कल शाम को वापस से मैं दृश्यम 2 देखने के लिए गया था एंड गाइस, ट्रस्ट मी, द एटमॉस्फियर वाज एब्सोल्युटली इलेक्ट्रिफाइंग। साउथ मुंबई का एक सिंगल स्क्रीन सिनेमा घर था, लेकिन गाइस द ऑडियंस वाज मेनली कंप्राइज्ड ऑफ फैमिलीज। ऐसा नजारा बहुत साल हो गए जो सिनेमा घर में नहीं देखा था। आई थिंक तानाजी के वक्त पे इस तरह का क्राउड, आई एम टॉकिंग अबाउट मुंबई, ओके, केजीएफ में तो था ऑब्वियसली, द ऑडियंस ऑफ केजीएफ एंड ट्रिपल आर कंप्राइज्ड, इवन पुष्पा कंप्राइज्ड ऑफ मास ऑडियंस, मां लड़के दोस्त वोस्त चल भिड़ो ये हो, फुल मतलब मास ऑडियंस। लेकिन यहां पर आई कुड सी ओल्ड पीपल, यू नो, उम्र दराज लोग, दादा दादी, पूरा परिवार, बच्चे, मतलब दे वर कमिंग इन ग्रुप्स एंड थिएटर जिस तरह से फुल हुआ, इट वॉज एन एब्सोल्यूट स्पेक्टिकल। पूरा पहला हाफ जो था ऑडियंस साइलेंट थी, आराम से बैठी हुई थी एंड गाइस लिटरली देयर वाज नॉट इवन अ मर्मर। वो कहते हैं ना मोबाइल खोलना ये वो भी नहीं हुआ यहाँ पर। एंड जैसे ही इंटरवल के बाद ऑडियंस सेटल इन हुई, उसके बाद देयर वाज सो मेनी गूज़बम्प मोमेंट्स एंड क्लैप वर्दी मोमेंट्स, चाहे वो गाय तुंडे का हो मोमेंट, जब वो यू नो उसको इंक्वायरी के लिए करता है, अरे इसके अंदर लाश नहीं मिला तो देख क्या करता हूँ, वो वाला डायलॉग। उसके बाद किस तरह से यहाँ पर जैसे अजय देवगन अपने पत्ते खोलना शुरू कर देता है, कोर्ट वाले सीक्वेंस शुरू हो जाते हैं, तालियां बजना शुरू हो गई, लोग चिल्ला रहे थे, तालियां बजे, एंड व्हेन द मूवी एंडेड इतना बड़ा चैटर था, सब लोग बात करते हैं, अरे क्या ये क्या वो, पूरा मतलब इट इज अ ट्रीट फॉर द ऑडियंस। दृश्यम 2 हैज स्ट्रक कॉर्ड विद द फैमिली ऑडियंस एंड इसीलिए ये फिल्म इतनी हिट है। भैया कैंटीन वालों के तो चांदी हो गए भाई, 450-450 का पॉपकॉर्न बेच लीजिए भाई। हाँ मजा क्यों गाइस, एक परिवार फिल्म देखने के लिए जाता है ना, तो ऑब्वियसली पॉपकॉर्न के रेट्स आप कहीं भी जाओ, चाहे मल्टीप्लेक्स हो, सिंगल स्क्रीन हो, 250 रुपये तो मिनिमम है पॉपकॉर्न का रेट। एंड जब परिवार जाता है तो पॉपकॉर्न, समोसा, नाचोस, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, आजकल ग्रिल्ड सैंडविच, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल सिंगल स्क्रीन सिनेमास, कैंटीन का बिल आपके टिकट के बिल से ज्यादा आता है। यानी कि दृश्यम ने सिर्फ और सिर्फ एग्जीबिटर्स को नहीं बल्कि कैंटीन वालों को भी फायदा पहुंचाया है। चलिए इसी नोट पे आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो भैया आशा करते हैं कि हमारा छोटा सा वाक्य आपको पसंद आया होगा, लाइक कर दीजिए भाई। तो गाइस, मंडे से उम्मीद थी कि फिल्म 10 करोड़ के नीचे नहीं गिरना, मंडे 11.87 करोड़ आया, ट्यूजडे 10.48 करोड़ आया, ये 2 दिन इसके लिए बोनस था। अगर ये वेडनेसडे भी 10 करोड़ के नीचे गिरी तभी भी चलता था एंड वेडनेसडे दृश्यम 2 ने 9.55 करोड़ की कमाई की है, विच इज अ सॉलिड होल्ड, आई मीन वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड कह सकता हूँ गाइस ये मैं, क्योंकि सिर्फ 10% का ड्रॉप देखने मिला है एंड 9.55 करोड़ रुपीज कमाकर 6 दिनों में 6 डेज फ्लैट दृश्यम 2 96.04। उसमें से एक सबसे कॉमेडी सीन मैं तुम लोगों को बताता हूँ, हमें जो आगे वाला था ना वो लड़का अपने दोस्त को पूछता है, अरे जाना क्या, अरे रुकना अभी एंड क्रेडिट सीन आएगा दृश्यम 2 में। आई वॉज चोकिंग विद लाफ्टर, वो उसको लगा दृश्यम 2 में एंड क्रेडिट सीन आएगा, अगर मेरे साथ जो लोग गए थे वो कह रहे थे कि दृश्यम 3 में बचा ही क्या है दिखाने के लिए, अभी सब तो खत्म हो गया यहाँ पर, तो गाइस दृश्यम 3 में क्या होगा। ये तो भैया जीतू जोसफ आइए भाई पेड़ा खिलाएंगे आपको, अच्छे से स्क्रिप्ट लिख दीजिए, ओके। तो 96.04 करोड़ इसके 6 दिनों का कलेक्शन है हिंदी नेट, इसका ग्रॉस होता है 114.64 यानी कि 114.64 करोड़ एंड ओवरसीज इसने 18.90 करोड़ कमाया। भैया ओवरसीज भेजिए भाई, क्या कर रहे हैं आप लोग। इसी के साथ वर्ल्ड वाइड दृश्यम 2 ने 6 दिनों में 133.54 यानी कि 133.54 करोड़ कमाई की है, एब्सोल्युटली ह्यूमंगस। 200 करोड़ वर्ल्ड वाइड लोडिंग, 100 करोड़ ऐसे हम लोग बात कर रहे हैं, ये फिल्म ने 100 करोड़ क्रॉस कर लिया है। सो आज डे नंबर 6 यानी कि महत्वपूर्ण थर्सडे इस फिल्म का, आज की एडवांस बुकिंग हुई है यहाँ पर 1.70 करोड़ यानी कि 1.70 करोड़ की तो फिल्म ने एडवांस बुकिंग ली है। कल की एडवांस बुकिंग ऑलमोस्ट 1.97 करोड़ की थी एंड आज 84,590 टिकट सोल्ड हुए, यानी कि पकड़ के चलो 85,000 टिकट सोल्ड हुए है। मुंबई में 1037 शोज है, 68 फास्ट फिलिंग, 13% ऑक्यूपेंसी इन द मॉर्निंग शोज, दिल्ली एनसीआर 1061 शोज, 72 फास्ट फिलिंग एंड ऑलमोस्ट 10% ऑक्यूपेंसी इन द मॉर्निंग शोज एंड ओवरऑल ऑक्यूपेंसी
अभी मॉर्निंग की डे नंबर 6 की 15-16% है, जहां पर कई जगहों पर ऑक्यूपेंसी कल से ज्यादा है। तो उम्मीद है कि आज एटलीस्ट 9 करोड़ तक कलेक्शन रहे, एंड ऐसा हुआ तो दृश्यम द्वितीय पहला हफ्ता 105 करोड़ रुपया कमाएगी, जो अपने आप में अविश्वसनीय होगा। आज शोज किस तरह से बढ़े हैं मैं आपको जरा बता देता हूं। पुणे में 465 से 467 हुआ है, अहमदाबाद 451 से 464 हुआ है, सूरत 251 से 260 हुआ है, एंड गाइस जयपुर 169 से 170, दिल्ली एनसीआर 1000 प्लस शोज है। तो भैया भेड़िया के लिए बहुत तकलीफ होने वाली है, बहुत तकलीफों का सामना करना, क्योंकि गाइस कल दृश्यम है ना, इट विल एक्सप्लोड, क्योंकि बहुत लोगों को फ्राइडे सैटरडे संडे टिकट नहीं मिली थी। हाँ, उनमें कितने लोग आए थे ना, जितने लोग उनको कल जो थिएटर में थे उनको फ्राइडे सैटरडे संडे टिकट नहीं मिली थी। तो ये रिपीट ऑडियंस नहीं है। मैं जब दूसरी बार फिल्म देखता हूँ ना, मतलब वो फिल्म का रिपीट वैल्यू बहुत स्ट्रांग होता है। मैं ज्यादा करके दूसरी बार पिक्चर देखने जाता नहीं हूँ, एक बार में हो जाता है मेरा काम समाप्त। मैंने दृश्यम 2 दो बार दूसरी बार देखा जाकर, इसका मतलब द रिपीट वैल्यू इज मोर। तो रिपीट वैल्यू ऑडियंस जो है ना वो अभी तक आई नहीं है, अब तक जो फर्स्ट टाइमर्स है वो ही आ रहे हैं। तो ये फ्राइडे सैटरडे द थिएटर थोड़ा बस्ट, भेड़िया के आगे दृश्यम 2 विल बी द फर्स्ट चॉइस, मैं लिखत दे सकता हूँ तुम लोगों को। इसका मतलब ये नहीं कि भेड़िया नहीं चलेगी, अगर अच्छी होगी तो चलेगी, लेकिन दृश्यम 2 विल रन राइट दिस वीकेंड, फाड़ने वाली है बॉक्स ऑफिस। एंड मंडे से वॉक इन ऑडियंस जो आएगी ना वो रिपीट आएगी, यानी कि दूसरी बार देखने के लिए, फिल्म समझने के लिए आएगी। दृश्यम 2 लंबी रेस का घोड़ा है, आई एक्सपेक्ट 200 करोड़ नेट कलेक्शन फॉर दृश्यम 2, ह्यूज ब्लॉकबस्टर अजय देवगन करियर। एंड गाइस सीरियसली बोल रहा हूँ, अजय देवगन का परफॉर्मेंस जो है ना वो ऊपरी ऊपरी बहुत ही सरल लगता है, ऐसा लगता है बहुत ही सटल प्ले कर रहा है, लेकिन द लेयर्स इन हिज परफॉर्मेंस आर ब्रिलियंट। चाहे वो दारू पीने वाला सीन हो, यू नो उसका जो दोस्त है, ज्यादा बोलूंगा नहीं स्पॉइलर हो जाएगा, भैया देख लीजिए भाई आकर, कितना देर रुकेंगे हम। हाँ, वो वाला सीन हो, इंटर वाला सीक्वेंस के साथ जो कपड़ा सा वाला बात करता है वो वाला सीक्वेंस हो, हर सीक्वेंस में पुलिस आती बेटी डरती, लेकिन अजय देवगन डरता नहीं है। उसके अंदर जो ठहराव रहता है ना, अजय देवगन के कैरेक्टर से इंसान जिंदगी में सब्र सीख सकता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, जिस तरह उसका कैरेक्टर है, तो वे इज काम एंड कंपोज। वो सीन अजय देवगन अक्षय खन्ना ऐसे आ रहा है, वो जा रहा है, अक्षय खन्ना खुन्नस दे रहा है, अरे मास कूल दृश्यम, अरे बीजीएम दृश्यम स्टार्टिंग में पूरे दृश्यम का बीजीएम, दृश्यम फीवर इज ऑन। कल से मैं दूसरी बार देख कर आया फिल्म, आई एम सुपर एक्साइटेड। तब्बू बोलती है, अगर मेरे अनजाने अनजाने में गलती हो गई तो मैं माफ कर दूँ, और डायलॉग बहुत अच्छा था वो वाला, वो मिच्छा में दुकड़म का जो डायलॉग रहता है वो वाला सीन मजेदार, गुड एक्सपीरियंस। सो मच कैप्यू, सभी लोगों को पसंद आया होगा, दिस इज माई कैंडिड बेस्ट मैन, आई लाइक टू बी कैंडिड। तो एपिसोड लाइक कीजिए।